हेलो ब्रियोन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने भी इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आई हुई ग्रामीण डाक सेवक के 44,228 पदों के लिए आवेदन किया है और अब अपने रिजल्ट के इंतज़ार में हैं। उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, फाइनली बहुत ही बड़ा अपडेट है। आपने कल की वीडियो ज़रूर से देखी होगी जिसके अंदर GDS के महासचिव SS महादेवा जी ने आने वाली पहली लिस्ट या फर्स्ट टाइम रिजल्ट के बारे में आपको डेट्स वगैरह बता दी हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा, उसको आपको ज़रूर से देखना। जब ये वीडियो ख़त्म हो रही होगी इंड स्क्रीन के ऊपर लगा दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप लोग चैनल पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कुछ नए डाउट्स भी आ जाएंगे जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस बार रिजल्ट हमारी सोच से भी ज़्यादा फास्ट आने वाला है, इसके लिए कुछ वजह है आपको बताएंगे। और आपका रिजल्ट इतना फास्ट आ रहा है तो अब आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना चाहिए। वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, कौन कौन से ऐसे 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के टाइम। अगर अभी तक देखा नहीं है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने कल वीडियो देखा कि SS महादेवा जी ने हमको जानकारी दी कि आपका जो रिजल्ट है कोशिश कर रहे हैं कि इसी हफ्ते आ जाए। आपको बता दें, आज इस वीडियो को जो रिकॉर्ड किया जा रहा है उसकी डेट है 14 यानी 14 अगस्त 2024 की, और इस हफ्ते आ जाएगा मतलब अभी सेकंड वीक यानी दूसरा हफ्ता रनिंग में है। इस हफ्ते कल 15 अगस्त हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद सैटरडे है फिर संडे है, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला है कि इस हफ्ते आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए बाई चांस इस हफ्ते आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है तो थर्ड वीक ऑफ अगस्त यानी कि अगले हफ्ते, अगस्त के तीसरे हफ्ते आपका रिजल्ट ज़रूर से देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 से लेकर के 20 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहली मेरिट आ जाएगी। उसके पीछे कुछ वजह हैं, साथ ही साथ उन्होंने और भी कई सारी जानकारी दी जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप लोग रिजल्ट सबसे पहले कैसे देख पाएंगे, उसके लिए आपको आगे बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इस वाली वीडियो की हम बात कर रहे हैं, कल इन्होंने वीडियो अपलोड किया। ये हमारे SS महादेवा जी हैं जो कि GDS के महासचिव हैं। यहाँ देखें, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रिजल्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में कल इन्होंने अपडेट दिया है। परिणाम प्रथम मेरिट सूची अपडेट है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर इन्होंने 3 से 4 पॉइंट टच किए हैं। 2 पॉइंट मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चले कि उसकी वजह से आपके सारे टेंशन दूर हो सकते हैं। पहला पॉइंट जो इस वीडियो में इन्होंने कवर किया आने वाली मेरिट लिस्ट को लेकर, वो बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं की। इन्होंने कहा कि आपने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म एडिट कर दिया है, सबमिट कर दिया है, अब इस हफ्ते ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, यानी पहली मेरिट लिस्ट जारी हो जाए। लेकिन अगर डिपार्टमेंट किसी काम में फंस जाता है या मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डिले होता, लेट होता है, तो अगले हफ्ते यानी कि जो 16 से लेकर 20-21 तक का डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे हफ्ते में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। यानी हमको अगस्त के चौथे हफ्ते या सितंबर महीने का इंतजार नहीं करना होगा, थर्ड वीक के अंदर ही हमको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने टच किया कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेने चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कुछ के नाम इन्होंने अपनी वीडियो में लिए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बनवा लेना चाहिए। कुछ लोगों के मन में संदेह है कि डॉक्यूमेंट में हमने कुछ गड़बड़ी हो गई है, एड्रेस गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, इसका क्या सलूशन है, इससे डरना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहा है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं जाएंगे, कहीं हमारे ऊपर KS FIR ना हो जाए गलत इन्फॉर्मेशन के बदले में। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इन्होंने जो लोकल लैंग्वेज वाले क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की है। जो भी अपने लोकल लैंग्वेज में अप्लाई किए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो को ज़रूर देखें और जो उन्होंने बताया उस बात को समझें। वहाँ का एक लोकल का सर्टिफिकेट होगा जो इस बार अवेलेबल करवाना होगा। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि आप लोग अपने रिजल्ट को सबसे फास्ट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, पहली लिस्ट की कट ऑफ क्या होने वाली है। तो दोस्तों, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आपको जब भी PDF आपका अपलोड हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर,
तो वहाँ पे लाखों का ट्रैफिक होने की वजह से सर्वर क्रैश हो जाता है। पोस्ट ऑफिस वाले ज़्यादा वेबसाइट को मजबूत नहीं करेंगे, उसके पीछे वजह है कि 6 महीने में एक बार रिजल्ट आया तो सर्वर बहुत ज़्यादा लोड आया एक दिन के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा महंगी होस्टिंग वगैरह काहे को खरीदेंगे, तो वो धीरे धीरे करके अपने आप सॉल्व हो जाता है। लेकिन हमारी टीम एक्टिव रहती है और सभी सर्कल्स के PDF को डाउनलोड कर लेती है, और हमारी ही वेबसाइट naukrikhabar.com, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, अगर अभी तक जानकारी नहीं है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में से जाके एक्टिव हो जाएं, और साथ ही साथ आप गूगल सर्च करेंगे naukrikhabar.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। इसी वेबसाइट के ऊपर सभी सर्कल्स के PDF को अपलोड किया जाता है, और मैं हमेशा ही पिछले 2 सालों से जो लगातार भर्तियाँ आ रही हैं उनके बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता चला आ रहा हूँ। तो इस बार भी आपको सबसे पहले ही हमारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट मिलेगा। कैसे इसको देखना होगा, पहले हम रिजल्ट डेट के बारे में बात करते हैं। जो पहले फर्स्ट जो मेरिट और रिजल्ट डेट एक्सपेक्टेड था वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 100% गारंटेड था, लेकिन कल जब SS महादेवा जी ने हमको जानकारी दी कि ये रिजल्ट इसी हफ्ते आ जाएगा, यानी सेकंड वीक ऑफ अगस्त या फिर अगस्त में अगर कोई दिक्कत होती, क्योंकि 15 अगस्त है, उसके बाद फिर सैटरडे है, फिर संडे आ जाएगा। हालांकि संडे को भी मेरिट आ जाती है, बाई चांस अगर डिपार्टमेंट जारी नहीं कर पाता तो अगले हफ्ते यानी तीसरे हफ्ते अगस्त के आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट जो चांसेस वो 16 से लेकर 20 तारीख के बीच में है, इन 5 दिनों में से किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा उन्होंने सेवटी दिया है। वो वीडियो यहाँ पे लगा दिया गया है, डॉक्यूमेंट का वीडियो भी यहाँ पे अटैच है, दोनों वीडियो को आपको देखना है इस वीडियो के बाद में। यहाँ पे आएंगे रिजल्ट कैसे देखना पहले उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको सभी राज्यों का स्टेट वाइज PDF मिल जाता है, सभी सर्कल्स यहाँ पे दिए गए, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सभी सर्कल्स के अंदर सामने क्लिकर की बटन है, जैसे ही PDF हमारे पास आती है उस PDF के लिंक को हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी आप आएंगे, आपका मान लीजिए सर्कल दिल्ली है, यहाँ पे क्लिकर की बटन है, एक बार आप क्लिकर की बटन पे क्लिक करेंगे और अपने सर्कल का PDF डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करना होगा, या इस बार अगर ये नाम के साथ देते हैं रिजल्ट तो और अच्छी बात होगी, नहीं देते तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। बाकी बैकअप के लिए इनके पास जो है तो SMS आपको भेजा जाएगा, मेल भेजा जाएगा। बाई चांस अगर सिस्टम की तरफ से कोई दिक्कत होती है, टेक्निकल फॉल्ट होता है और आपके पास मेल या मैसेज नहीं आ पाता, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको अपना मेरिट में नाम चेक करना है और इंतजार नहीं करना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जगह पे पहुंचना होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो लोग डरे हुए हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, आपसे आपके फादर नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, या आपने 10th के नंबर डालने में कोई गलती की है, तो बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी, लेकिन आपको फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। देखिए, अगर छोटे मोटी दिक्कत है, जैसे एड्रेस गलत हो गया है, नेम गलत हो गया है, फादर्स नेम गलत हो गया है, कास्ट गलत हो गई है, तो इसके लिए आप डरना नहीं, आपके ऊपर कोई FIR नहीं होगी। FIR तब होती है जब आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं, और गैर कानूनी काम इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर केवल एक ही है, नकली और फर्जी मार्कशीट के द्वारा सिलेक्शन पाना या रिश्वत या घूस देके सिलेक्शन पाना। अगर ऐसे केस में फंसते हैं तो 100% आपके ऊपर FIR होगी और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, आपको सजा भी होगी। लेकिन अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, एड्रेस गलत हो गया है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, आपको जाना है, इसका सोल्यूशन वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, जो पहली लिस्ट आती है उसमें हमेशा ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। पहले जो 3 कैटेगरी हैं, जर्नल, EWS, OBC, अगर आपके 95 से 100 के बीच में है तो आप रेडी रहें, क्योंकि यहाँ पे इस बार लोकल लैंग्वेज वाले क्षेत्रों में कट ऑफ कम जाएगा, दूसरे लोगों ने आवेदन नहीं किया है। अगली 2 कैटेगरी SC और ST, यहाँ भी 90 से लेकर 100 के बीच वाले एक्टिव रहें, और PWD में 80 से लेकर 100 वाले एक्टिव रहें, अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें। पहली लिस्ट के लिए बताया जा रहा कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने फॉर्म को प्रिंट नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास आपका फॉर्म का प्रिंट आउट भी होना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशन स्टेटस देखने का वीडियो भी आ चुका है, आप यहाँ पे JDS फॉर्म स्टेटस लिंक पे क्लिक करके भी अपने फॉर्म को देख सकते हैं। तो हमने सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ पे देखें, आपके पास ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप है, सरकारी जॉब का व्हाट्सएप ग्रुप, आप ज्वाइन करें ताकि हमसे कनेक्टेड रहें। और एक बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, सरकारी जॉब.net यानी
सरकारी जॉब लिखेंगे उसके बाद आपको .net लगाना होगा। ये डोमेन रजिस्टर्ड हो चुका है, प्रीमियम क्लास का क्वालिटी का डोमेन है, आप सभी के लिए इसके ऊपर वेबसाइट बनाई जा रही। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गूगल पे जाना है, सरकारी जॉब .net टाइप करना है, आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, एक बार उस पर विजिट करें, गूगल को थोड़ा लगे कि हाँ इस नाम का डोमेन भी हमारे पास है और उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ाए ताकि हम आप सभी के लिए आर्टिकल्स डेली बेसिस पे अपलोड कर सके सभी राज्यों के। यहाँ पे देखें सरकारी जॉब .net, आगे चल के आपको यहीं पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला करेगी। इसको हम एक प्राइवेट बिजनेस की तरह रन करेंगे, इसकी पूरी तरीके से हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे और आपको टाइमली अपडेट यहाँ पे सभी राज्यों की मिला करेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।